निश्चित रूप से तैयारी आपकी है, किस रूप में तैयारी और कौन कौन हॉस्पिटल कब में पूरा पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है, किस कितने बेड के साथ? निश्चित रूप से पिछले 12-13 दिनों में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है वो बहुत ही अप्रत्याशित है और इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी तेजी से संख्या बढ़ेगी। देश के सभी राज्यों में बढ़ रहा है और जिस रफ्तार में कोरोना के मरीज बढ़े हैं, राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को जिनको आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए और अस्पतालों के अंदर बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। NMCH को हम लोगों ने पूरी तरीके से कोरोना के लिए डेडिकेटेड करने का निर्णय लिया है। PMCH में बेड बढ़ा रहे हैं, एम्स में बेड बढ़ा रहे हैं। IGIMS के अंदर कल से व्यवस्था शुरू कर दी है 50 बेड की, 100 बेड और अगले 2 दिनों में बढ़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य मेडिकल कॉलेजेस भी लगातार अपनी व्यवस्था में बेडों की संख्या का विस्तार कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं और अधिकतर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे लोगों को सुविधा मिले इसका प्रयास भी हमारे जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जो टेस्टिंग है उस टेस्टिंग के रफ्तार को भी हम लोगों ने बढ़ा के 1 लाख से ऊपर कर दिया है और सभी जिलों में जिला कंट्रोल यूनिट हमने बनाई है ताकि लोगों को कुछ जानकारी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है या कोई आपातकालीन परिस्थिति है तो जिला कंट्रोल यूनिट से वो संपर्क स्थापित करें। और जो मरीज हमारे घरों में हैं, होम क्वारंटाइन हैं, उनको भी यथासंभव हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके घरों तक दवाइयां पहुंचाने की और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट के माध्यम से उनका प्रतिदिन हालचाल लेने का। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और इन व्यवस्थाओं के साथ जनता का सहयोग भी हमको चाहिए होगा। व्यवस्थाएं जो हैं वो जो मरीज बन गए हैं उनके लिए, लेकिन जनता का सहयोग चाहिए कि लोग मरीज न बने और लोग बीमारी से बचे, ये बहुत नितांत आवश्यक है। इसलिए हम लोग आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि यात्रा से बचें, बाजार में आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें, मास्क का प्रयोग जरूर करें, हाथ को सैनिटाइज करें, साफ करें, हाथ की साफ सफाई का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखें। और हम लोगों ने टीकाकरण को भी काफ़ी तेजी से बढ़ाया है तो लोगों से अपील है कि जिनको टीका लेना है, जो उस एज ग्रुप के हैं, वो टीका भी जाके लें। मतलब जन सहयोग की अपेक्षा आज सरकार को है और जनता सहयोग करेगी। हम सब लोगों से आपके माध्यम से अपील भी करते हैं। ऑक्सीजन को लेकर के बहुत महामारी चल रही है, कहा जा रहा है कि दाम ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, स्टोरेज ज्यादा होने लगे, ये एक तरह से भ्रम की स्थिति बन गई। नहीं, कुछ शिकायतें मिली कि कहीं कठिनाई हो सकती है, ये संभावना व्यक्त किया गया तो तुरंत राज्य सरकार ने इस पर एक्शन लिया और हमारे प्रधान सचिव और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने संयुक्त बैठक की। फिर पटना के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार सारी स्थिति पे नजर रख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, मजिस्ट्रेट बहाल किए गए हैं जहां से आपूर्ति होती है, ताकि जिन अस्पतालों को सिलेंडर की ज़रूरत है किसी को कमी नहीं हो। और अभी तक सिलेंडर की किसी को कमी नहीं हुई है, यह जो उनके सप्लाई का चेन है वो बना रहे, इसके लिए सतत निगरानी जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। दवाई को लेकर के बहुत खराब स्थिति है, हालांकि केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले निर्णय लिया कि 6 कंपनियों को और अनुमति दे दी है कि वो इंजेक्शन को बनाए और रेट जो है 3,500 फिक्स करने की बात की गई थी, लेकिन अभी पटना और बिहार की स्थिति नहीं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो निर्माण होता है रेमडेसिविर का, उसकी कुल संख्या को दुगना करने का निर्णय भारत की सरकार ने उसकी स्वीकृति दी है।
और दो दिन में से तो अचानक से प्रोडक्शन की कैपेसिटी दुगनी हो नहीं जाएगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा। और आप पूरे देश के स्तर पे देख रहे होंगे कि जो मांग है और जो आपूर्ति है दोनों में गैप है, जिसके कारण पूरे देश में रेमडेसिविर को लेकर कठिनाई उत्पन्न हुई है। बिहार राज्य में भी हम सब लोग लगातार जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनियां हैं, हमारे ड्रग कंट्रोलर उन सारे लोगों से संपर्क स्थापित करके यथासंभव स्थिति को सामान्य बनाए रखना और आपूर्ति को कंटिन्यू करते रहना इसकी चिंता कर रहे हैं और इसका प्रयास कर रहे हैं। और हमारा यह प्रयास है कि हम जिन लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत है उनको हम उपलब्ध कराएं। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होने जा रही है, जिस तरह की स्थिति है, सीएम के साथ आप बैठने वाले हैं, एक तरह से कहा जाए कि ये एक तरह से इम्तहान की घड़ी है बिहार सरकार के लिए खास करके, क्योंकि पिछली बार तो ये स्थिति नहीं आई थी जो इस बार आ गई है, तो उसमें ये मीटिंग कितना कारगर होगा, किस स्तर से होगा, और कल सर्वदलीय बैठक की भी बात हुई है। नहीं, सभी परिस्थितियों को हम सब लोग लगातार विजुलाइज करते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे प्रतिदिन कोरोना के संदर्भ में पिछले एक साल से जब से इस बीमारी की शुरुआत हुई है उनके स्तर से समीक्षा भी होती है, आवश्यक निर्देश भी उनके द्वारा दिए जाते हैं, मेरे स्तर पर भी समीक्षा होती है और जो जो कुछ कार्य करने होते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए वो हम सब लोग करते हैं। तो ये रेगुलर काम का एक पार्ट है और आज भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे, पूर्व में भी बैठकें होती रही हैं और ये बैठक हम लोग करके पूरी समीक्षा करते हैं, व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं और जो कुछ कठिनाइयां होती हैं उन सारे विषयों पे एक एक बिंदु पे गंभीरता से डिटेल में चर्चा करके समुचित निर्णय लिया जाता है, फिर उसको क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को कहा जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज पे स्वयं निगाह भी रखते हैं, तो आज वैसे ही बैठक होगी और ऐसा पहले भी होता रहा है। कल सर्वदलीय बैठक है और कल जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें जो हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय ने बैठक बुलाई है और महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में वो बैठक होने वाली है।